जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको एक मुस्लिम वशीकरण सागर मंत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वशीकरण मतलब किसी को आकर्षित करना, किसी को मोहना, किसी को पाना, अपने वश में करना, अपने प्यार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस मुस्लिम वशीकरण मंत्र या मुस्लिम मोहनी मंत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गौतम प्राचीन तंत्र रहस्य के बारे में आपको जानकारी निर्बाध मेरे यूट्यूब वीडियो के मार्फत आपको प्राप्त होती रहे। मुस्लिम वशीकरण शावर मंत्र का प्रयोग किसी भी लड़की या लड़के के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए किया जाता है, और यह मंत्र अपना खोया प्यार पाने के लिए भी बहुत असरदार है। अगर पति पत्नी में भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी चल रही है तो इस मंत्र का इस्तेमाल करके सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल साधना को करना चाहते हैं तो इसके लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है। वो सामग्री क्या क्या है उसको समझ लीजिए, इसके बाद सब बताते जाऊंगा, विधि विधान बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो इसके लिए जो वशीकरण मुस्लिम वशीकरण के लिए जो सामग्री है वो है हरे रंग का वस्त्र, एक आटे का पुतला, इत्र, एक काजू, एक बादाम, एक किशमिश, एक अखरोट। इतने सामान आपको लगेगा, ठीक है, और एक मगज, और उसके बाद एक नया सफ़ेद रुमाल। अब इतने चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको साधना को करना कैसे है आपको ये तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले नहाकर हरे रंग के वस्त्र पहन लें, हरे रंग के वस्त्र पहन लें, उसके बाद फिर किसी मजार पर जाकर पुतला रख दें। किसी भी मजार पे चले जाइए, अपने आसपास नहीं है तो फिर दूर जाना पड़ेगा, यदि पास में है तो वहीं पे चले जाइए मजार में। उसके आगे जो सामान मैंने बताया उसमें सबसे पहले बात जाइए वहाँ पे, और वहाँ पर जाकर जो रुमाल है, जो रुमाल मैंने बोला है, उस रुमाल को बिछा दें। मजार के आगे जाके रुमाल को बिछा दें, और रुमाल के ऊपर में एक काजू, एक बादाम, एक किशमिश, एक अखरोट और एक मगज रख दें। अब उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको 786 बार बोलना है, याद रखें 786 बार आपको बोलना है। इसके बाद अब रुमाल में जो पड़ी चीज़ों पर फूंक मारें। 786 बार जाप करने के बाद मंत्र को रुमाल पे जो पड़ी हुई चीज आपने रखी हुई है उस पर फूंक मारें आप। उसके बाद रुमाल में पड़ी हुई चीजों को रुमाल में लपेटकर घर ले आएं, और जो पुतला है उसको किसी चौराहे पर छोड़ दें। 3 दिन लगातार यह उपाय करना है। आटे का पुतला रोज बनाना है आपको, एक ही पुतले को इस्तेमाल नहीं करना है 3 दिन तक, रोज नया पुतला बनाना है। मगर रुमाल और जो बाकी सामग्री है वो सब वैसे वही रहेगी, इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ पुतले को रोज बनाना है, बाकी चीज़ें वही की वही रहेगी, उसी को यूज करना है 3 दिन तक। 3रे दिन उपाय खत्म होने पर रुमाल में जो पड़ी चीज़ों को क्या करना है आपको, खा लेनी है, ठीक है, उन सभी चीजों को खा लें। और ये उपाय करने से
आपको मंत्र की ताकत हासिल हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए जो जरूरी जानकारी है वो भी समझ लीजिए। इस उपाय को जुम्मे के दिन शुरू करें। हरे कपड़ों के अलावा और कोई रंग के कपड़े ना पहने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ड्राई फ्रूट है वो एक एक ही इस्तेमाल करें, बहुत सारा इस्तेमाल नहीं करना है, एक एक नग ही इस्तेमाल करें। अपने मुस्लिम मंत्र सिद्धि का कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं, दुरुपयोग नहीं करना इस मंत्र का। अब आता हूँ उस मंत्र की ओर जिसको आपको 3 दिन तक जाप करनी है 786 बार। मंत्र है जो आपको इस स्क्रीन पे लिखा हुआ भी दिखाई देगा, मंत्र है उल्टी मार पलटी मार पछाड़ मार धार मार कब्जा चढ़ाए शीश खिलाए शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यही मंत्र है जिसको आपको 786 टाइम जाप करनी है 3 दिन तक। ऐसा करने से आपको अपना मनपसंद प्यार पसंदीदा लड़का या लड़की या महिला या पुरुष मिल जाता है और आपकी जो ख्वाब है मनोकामना है पूर्ण हो जाता है। तो यह है मुस्लिम वशीकरण शावर मंत्र। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मंत्र विधान के बारे में जानकर इसका लाभ उठाकर अपने मनचाहा प्यार हासिल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।